नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एक एग्ज़ाम लिया था ATC का, उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता कि ATC क्या था, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में और उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, पिछली दो वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि इतना बढ़िया रिस्पांस था। ये सब आपकी वजह से ही है कि आपके इतने बढ़िया रिस्पॉन्सेज आए हैं वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़िया रिस्पॉन्सेज देंगे मेरी हर एक वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ATC था क्या। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता ATC की फुल फॉर्म क्या थी, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC मतलब था एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो जिनको नहीं पता था कि ATC क्या है, तो उनको पता चल गया कि ATC था क्या। अब बेसिकली अब हम बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी रोल और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ, फिर इसके बाद में बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक साइट खोल रखी है examdesk.com करके। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेसिकली शुरू होता है इसका जॉब प्रोफाइल। तो AAI ATC की जॉब प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ लिखा है द टू मेनली वर्क्स ऑफ AAI ATC आर दे इंस्ट्रक्ट पायलट फॉर लैंडिंग और टेक ऑफ। जो पायलट को इंस्ट्रक्शन देते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, वो एक काम है ATC का। दूसरा एक और है कि दे कीप ऑन ट्रैकिंग प्लान सो देयर विल बी नो चांस ऑफ हैपनिंग एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ना हो, जितने भी प्लान जो ट्रैक रखने होते हैं प्लान का, वो सब ATC करता है। तो दोस्तों ठीक है, ये दो मेन वर्क है। नीचे यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि द AAI ATC JE मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑन मेनी जोन्स, सम ऑफ देम अलॉन्ग विद देयर वर्क डिनोटेड बिलो। नीचे थोड़े से दे रखे हैं कि जो ATC के जो JE हैं मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, वो बहुत सारे जोन्स में काम करते हैं। तो दोस्तों देख, इसको मैं पहले हटा दूँ, नोटिफिकेशन आया हुआ है यहाँ पे। हाँ तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे रखा है, उसके रोल्स हैं। नीचे सिविल इंजीनियरिंग दे रखा है, उसके रोल्स हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशन के रोल्स हैं, IT के रोल्स हैं, फाइनेंस के रोल्स हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिसको भी जोन सा जोन पसंद है और वो उसने एग्ज़ाम को दिया था, वो उसने अपने जो जोन पसंदीदा जोन के हिसाब से वो दिया होगा एग्ज़ाम, ताकि उनको जॉब उसमें मिले, उनकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है इनमें। तो दोस्तों बेसिकली अब हम बात करते हैं जो AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जॉब सैलरी लिखा हुआ है कि AAI JE सैलरी ₹40,000 to ₹1,40,000 और CTC पर एनम 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली। और जो मैनेजर सैलरी है वो 60,000 से 1,80,000 एंड 18 लाख अप्रॉक्स है CTC, ठीक है। नीचे दोस्तों अब हम देख सकते हैं एक जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो सर्विस बॉन्ड, जिसको नहीं पता सर्विस बॉन्ड होते क्या है, तो दोस्तों ये देखिए, ये बेसिकली एक टर्म है जिनको जो एप्लीकेंट्स इस पोस्ट में ज्वाइन करेंगे, जिनका एग्ज़ाम क्लियर होगा और उन्होंने पोस्ट ज्वाइन करी, तो उनको एक ये टर्म को, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं किसी कंपनी के, तो उनको ये टर्म्स एंड कंडीशन टाइप ही है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं क्या लिखा है इसमें, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC एंड AAI मैनेजर फायर सर्विसेज हैव टू एडमिनिस्ट्रेट अ गारंटी बॉन्ड फॉर 7 लाख एंड 5 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली टू सर्व द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो दोस्तों बेसिकली इसमें ये लिखा है कि जब ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक इसमें जॉब करनी ही पड़ेगी। दूसरा, अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो बेसिकली आपको एक गारंटी बॉन्ड देना पड़ता है इन्हें 7 लाख रुपीज़, जो पोस्ट 1 है AAJ जूनियर वाली, और 5 लाख अगर आप AAI मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखना इस जॉब, अगर आप क्लियर होता है तो इसको भरने से मतलब अप्लाई करने से पहले, कि आप इस बॉन्ड को एडवांस टर्म्स एंड कंडीशन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेज भी दे रखा है, PF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सब से आप देख सकते हैं साइट पर जाके। नीचे प्रमोशन के बारे में लिखा है, इनको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो मेन मैंने वीडियो बनाई है वो ATC के रिजल्ट के बारे में बनाई है, कि जो इसका रिजल्ट है वो आएगा कब। तो दोस्तों ये dailyrecruitment.in करके साइट खोल रखी है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द AAI ATC एग्जामिनेशन एंड AAI ATC आंसर की ऑल्सो पब्लिश। आंसर की इसकी आ चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो अब इसमें ये लिखा है कि नाउ इट हैज़ प्लान टू रिलीज दी ATC रिजल्ट 2021। दोस्तों यहाँ पे तो अभी कुछ लिखा नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। थोड़ा सा नीचे अगर हम करें तो यहाँ पे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, हाँ
तो दोस्तों यहाँ पे यही लिखा है कि जो ATC जो AI रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। बेसिकली इन्होंने जो बोला है कि बहुत जल्द इसको पब्लिश कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि ओवरऑल 368 वैकेंसीज थी इस पोस्ट के लिए, और तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, बस इसमें यही लिखा है कि जब रिज़ल्ट आएगा तो इसको आप चेक कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.ai.aero.in, फिर फाइंड द लिंक फॉर AI रिजल्ट, क्लिक ऑन द लिंक, इट विल रिडायरेक्ट। मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको आप उसको अपने कहीं पे सेव कर सकते हैं ताकि जब भी इसका रिजल्ट आए आप उस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर लें दोस्तों। बाकी इसका जब रिजल्ट आएगा प्रॉपर तो मैं इसको अपनी वीडियो भी एक डाल दूंगा इसके ऊपर कि रिजल्ट चेक कैसे करना है, और रिजल्ट जब भी आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने मेरा बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जितनी जल्दी होगा सका मैं दूंगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।